14 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान बना और इसका खान का इजाज़ा मोहम्मद अली जिन्ना ने किया जो मुस्लिम लीग का आर्थिक थे। बाद में ये तब्दीली होकर नून लीग में चले गए। नून लीग वालों ने मेट्रो बनाई और आज इसकी ये हालत है। ये देखे साथ सब तो शादाब था और आज कोरोना वायरस की वजह से ये तबाह बर्बाद हो गई है। इतना आ गया है और अब समझ नहीं आ रही कि मुल्क का निज़ाम जो है वो धर्म भरम हो गया है। ये हमारी खूबसूरत मेट्रो लाहौर और इस्लामाबाद की है जो आपको दिखाई जा रही है। अल्लाह पाक से दुआ है कि ये इसी तरह चलती रहे और हमारा मुल्क ये देखे जो आपको सरसब्ज़ शादाब नज़र आ रहा है और खूबसूरत नज़ारा नज़र आ रहा है। ये हमारा मुल्क सबसे खूबसूरत मुल्क है तो अल्लाह ताला इसको कायम व दायम रखे और हमारी जो मेट्रो है जिस पर हम रिज़्क़ कमा रहे हैं इसको कायम व दायम रखे। आमीन सुबह आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के कायद हैं जो जिनको लोग बहुत पसंद करते हैं। इनकी बेटी जो है मरियम नवाज शरीफ उनकी भी अंत तक मेहनत कोशिशों के बाद ये इस निज़ाम तक पहुंची है कि देखें मेट्रो का नज़ारा ये देखें नीचे खूबसूरत। ये इसीलिए तो हमारे मुल्क को सबसे खूबसूरत मुल्क कहा जाता है। ये इस्लामाबाद जो है हमारा इंटरनेशनल जो है सिटी है। ये देखें अब आप खुद देख लें कि आप किसको वोट ज़्यादा देंगे, लाहौर को देंगे या इस्लामाबाद को देंगे। हमारी इतनी खूबसूरत मेट्रो है और लोग कहते हैं लाहौर लाहौर है, किस क्या लाहौर लाहौर है, इस्लामाबाद इस्लामाबाद है। तको खूबसूरत नज़ारे ने जब बारिश होनी है तो मियाँ नवाज शरीफ की लोग इधर दुआवा देने, कोई इधर पानी नहीं ठहरना, कोई कुछ नहीं, सब सफा साफ सुथरा वे तो अल्लाह पाक इसी तरह साढ़े मुल्क नेक रहनुमा आन ताकि जोड़ा सारा निज़ाम सारा ठीक हो गया। ये देखो लिफ्ट का बटन दबाया है तो अब लिफ्ट खुल गया है। ये सब काम जो है मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मेहनत से हुआ है। अल्लाह पाक इनको भी खुश रखे और इस मुल्क में रहने वालों को भी कायम व दायम रखे। आमीन अस्सलाम वालेकुम। तो मेट्रो का जो निज़ाम है वो बहुत अच्छा है। अभी हम इस टाइम जो है एज आ सैनिटरी वर्कर के तौर पे काम कर रहे हैं और ये देखें हमने सब कुछ चमका चमकू के रखा हुआ है। ये हमने रोज़ जो है हम सब वर्कर्स जो हैं ये सर्फ एक्सल के साथ या हैंड वॉश के साथ अब हमें हाथ धोने की जगह पे भी सर्फ इस्तेमाल करना पड़ता है। थोड़ी कंपनी भी थोड़ी बहुत कंजूस है लेकिन अलबत् बहुत अच्छी कंपनी है, नंबर वन कंपनी है। तो अभी ये हमने सब कुछ चमकाया हुआ है सब कुछ। ये हम थोड़ा नज़ारा होगा तब दिखा रहे हैं कि देखें कि पहले ये रोड काफ़ी रश होता था, काफ़ी पानी रुकता था, अब ये बिल्कुल ठीक ठाक हो गया है। और ये देखें फटा चमका के रखा हुआ है। ये हालांकि अभी मेट्रो बंद है क्योंकि इतना चमका के रखा हो कि कोई पाँव भी रखेगा तो उसको पाँव का निशान नज़र आएगा। सो ये देख लें हमारी मेहनत, ये देखें ये हमारा जो आज यहाँ पर हम हाजिर लगाते हैं ये अपने अपने उंगलियों के अपने अपने फिंगरप्रिंट्स लगे उनके अंदर ऐड हुई हैं। जो बंदा भी अपनी फिंगरप्रिंट्स लगाएगा यहाँ पे हाजिर लगाएगा और फिर इसके बाद ये देखिए सीढ़ियाँ चमकी हुई हैं। फटे का थोड़ा रंग जो है वो कलर्स जो हैं वो थोड़े डल हो गए हैं क्योंकि ये जो पेंट करने वाले जो है अलहदा से हमारी कंपनी में पेंट करने वाले हैं, इन्होंने दो नंबर पेंट लगाया था, इस वजह से जो है ये अलहदा हो गया। ये देखिए ये भाई ने सलाम हमें किया कि हम जब पेंट कर रहे थे ये हमें दो नंबर पेंट दिया गया था लेकिन हमने भी बड़ा कोशिश करके फुर्ती से लगाया है। और ये देखिए नज़ारा, ये मेट्रो, ये छोटी मेट्रो नहीं है, बहुत बड़ी है, बहुत ऊंचाई में है और अल्लाह के फजल करम से ये देखिए ये नीचे छोटा सा कल दिल्ली के साथ वाशरूम और स्टोर है जहाँ पे हम खाना खाते हैं और चेंजिंग करते हैं और बुखार वगैरह हो गया किसी वर्कर को तो यहाँ पर रेस्ट भी कर लेते हैं 10-15 मिनट। तो ये देखिए ये बस आ गई है, इसमें जो डोर खुलेगा और लेडीज़ साइड वाले लेडीज़ भी जाएंगी और जो जेंट्स हैं वो जेंट्स वाली साइड से जाएंगे। ट्रैक बहुत मजबूत है, कोई खड़ा जाप नहीं है, कोई पत्थर भी नहीं है, अगर कोई पत्थर आ जाए तो हम उठा लेते हैं। और जब बस मौलवी वगैरह और गवर्नमेंट के मुलाजमों का इशू हुआ था तो तब पत्थर आए थे। अब आपको यहाँ पर मक्खी भी जो है पर मारते हुए नज़र नहीं आएगी। और ये देखें ये कितने प्यार मोहब्बत से चल रही है और आज तक अभी इन 4 सालों में, पहले साल का कुछ नहीं कह सकते, इन 4 सालों में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ और अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है। और ये देखें दश पश कर रही है, आपको नज़र आ रही होगी लाइटिंग। ये सारा जो निज़ाम है
ये सारा नज़ारा मियाँ नवाज शरीफ की क़ियादत में और मियाँ शहबाज शरीफ की क़ियादत में हुआ है। मरियम नवाज़ ने और इसहाक डार ने भी यहाँ का चक्कर लगाया, उस्मान बुज़दार ने भी यहाँ पे दौरा किया है, तो शाबाश दिया। तो ये सब जो है बस अल्लाह की मेहरबानी है और जिन्होंने ये नेक हुक्मरान हमारे सर पर मुसल्लत किए हैं। तो अब जो है इमरान ख़ान आ गया है, तो इमरान ख़ान के होते हुए की वीडियो हमने नहीं बनाई, तो लिफ्ट भी नहीं चलती और ये देखें ये लिफ्ट बंद हो गई है और ये अभी मेट्रो वहाँ पे भी लिफ्ट बंद नहीं नज़र आती है। ये इमरान ख़ान की जो है मेहरबानी है पठानों की, जब तक पठान इस मुल्क में आए तो इस मुल्क को कोई गंदी नज़र से भी नहीं देख सकता और मेट्रो को भी नहीं देख सकता। तो लिहाजा जो है अल्लाह पाक जो है ये देखें ये पार्किंग साइड है जहाँ पर मोटरसाइकिल वगैरह खड़ा करते हैं और ये जो है लिफ्ट चल रही है, ये सीढ़ियाँ हैं, अगर कोई सीढ़ियों से यंग लड़के आना जाना चाहते हैं तो इधर से आएंगे। ये देखें हमने ये हैंड वॉश से साफ किए चमका चुकी, तो ये देखें ये जो है ना वाम ऊपर आ रही है जा रही है। मैं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और हमें लाइक करें। प्लीज़ शेयर एंड लाइक मी, थैंक यू वेरी मच।